इधर जा उधर जा कहीं पर जा, दौड़ो दौड़ो, ओके ओके, वेट 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 वेट, छुप छुप के हम लोग अंदर जाएंगे और देखेंगे स्टूडेंट क्लास कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। चलो सब आ चुके हैं एक्सेप्ट सर, चलो 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 चलो। Moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean. It's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time. What's up guys, welcome in नया vlog, विशाल lifestyle के नया vlog में आपका स्वागत है। यहाँ पर विशाल तो है, lifestyle भी है but कुछ style नहीं है। यहाँ पर दोस्तों camera भी है but vlog बनाने का कोई idea नहीं है। But आज का video होने जा रहा है बहुत interesting, बहुत ही you know मज़ेदार, क्योंकि आज कुछ भी मैं ऐसा interesting नहीं कर रहा हूँ जो देख कर आपको मज़ा आए। But वही तो भाई challenge है एक vlogger का, अगर लाइफ अगर डे को इंटरेस्टिंग नहीं भी हो उसको भी कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट किया जाए फॉर द सब्सक्राइबर्स। सो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। पहला चीज, मैं आज जा रहा हूँ ऑफिस में, ऑफिस मतलब मेरे क्लास में, ऑल माय स्टूडेंट्स आर वेटिंग देयर फॉर मी। विंटर के टाइम में धूप का मजा तो बहुत ही अलग होता है, बट अगर ये गर्मियों का टाइम होता भाई, यू हैव टू टेक द आइदर सनस्क्रीन और यू हैव टेक द अम्ब्रेला। मैं देखो कितना खिले खिले धूप है, कितना ब्राइट वेदर है, और इस ब्राइट वेदर में बाइक चलाना तो ज़बरदस्त मज़ा आता है। वेयरिंग द सिंपल जैकेट्स एंड ऑल, यू कैन एग्जैक्टली एन्जॉय द बाइक राइड। बट कुछ मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जो विंटर के टाइम में बाइक राइडिंग बिल्कुल एन्जॉय नहीं करते हैं। वो लोग बोलते हैं भाई बहुत ठंड लगता है। बट अबाउट मी, अगर मेरे बारे में बताऊँ तो भाई यकीन मानो ये विंटर के टाइम में बाइक राइड बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलो, बट एक इशू है, रास्ते में जब बाइक चलाओगे ना उस इस टाइम में बहुत धूल होता है, और मैं जहाँ पर रहता हूँ यहाँ का रोड कंडीशन एवरेज है, सो सो है, इतना भी बढ़िया नहीं है। आसपास बहुत धूल है तो दैट इज़ द इशू। सुबह के दोस्तों अभी 11 बजे है ऑलरेडी, सुबह मैं ऑलरेडी ऑफिस गया था, एक क्लास कर भी आया हूँ मैं, एक ऑलरेडी हैव टेकन वन क्लास, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम भाई इतना नींद आ रहा था, इतना नींद आ रहा था। सुबह 7 बजे मैं नींद के चक्कर में मेरा कैमरा ही ले जाना भूल गया, तो ठीक है चलो जाने के बाद पता चला यार एग्जैक्टली मेरा बैग मिल, मैं दिखाता हूँ, लेट मी शो यू, दिस इज़ माई बैग जो हर वक्त मैं कैरी करता हूँ मेरे साथ। तो मैं बैग में ही मेरा कैमरा रखता हूँ, चार्जर मर्जर्स एवरीथिंग आई कीप इट, बट जाने के बाद पता चला मैं भूल गया था। तो ठीक है चलो यार, तो व्लॉग को थोड़ा सा देरी करके शुरू कर रहा हूँ, नो इशू। देखो आपसे 2 मिनट बात नहीं हो, मैं आ चुका हूँ मेरा ऑफिस में, देव दैट इज माई ऑफिस बिल्डअप, ऑफिस वाला बिल्डिंग, दैट इज माई ऑफिस वाला बिल्डिंग, इट्स क्वाइट क्लोज। कितना लकी हूँ सोचो, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर सिर्फ 2 मिनट, बात करते करते आ चुका हूँ। यस आ गया हूँ मैं। एक चीज़ आपको दिखाना है, देखो यहाँ पर ऑलरेडी क्लास चल रहा है, स्टूडेंट ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है क्लास चल रहा है, तो आपको दिखाएंगे वो लोग क्या क्लास कर रहे हैं और पढ़ाई नहीं कर रहा है। छुप छुप के हम लोग अंदर जाएंगे और देखेंगे स्टूडेंट क्लास कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। चलो 1 2 3 क्लास अच्छे कत अब्दि যাদব কত হয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ বাকি সব হো গিয়া অল দিস আর ডান অনির্বাণ হোয়াট অ্যাবাউট ইউ জাস্ট ইউ হ্যাভ অনলি ওয়ান পেজ এটা তো হোমওয়ার্ক ছিল দিস ইজ হোমওয়ার্ক আমি পড়েছি না অনেক সো ওয়াই হ্যাভ ইউ কাম লেট ইউ মোহনলাল রাইটিং ডিস্টার্ব দ্যাট আনসিন আনসিন অল দিস আর ডান ओके फाइन आर्कियोलॉजी ARCH आर्कियोलॉजी ओके यहाँ पर गर्ल्स क्लास हो रहा है, देखते हैं हाउ इज द क्लास ऑफ द गर्ल्स होच्छे पढ़ाशुना कत अब्दि बाकी यार देन फिनिश्ड एग्जाम डेट नो डेट। सो दोस्तों ये शाम के ऑलरेडी 5:30 बज चुके हैं और मैं निकल रहा हूँ इवनिंग क्लास के लिए, तो बाइक थोड़ा सा बाहर ही रखा था, ये स्विच से जा रहा है तो बाइक अंदर मैंने नहीं लेके जाया। तो चलो हेलमेट पहन लेते हैं, हेलमेट पहनकर बाइक को लेकर चलते हैं।
एक्चुअली ये जो मेरा GoPro ये हेलमेट नहीं माउंट था. अरे यार ये सब जो स्ट्रीट डॉग्स है ना अननेसेसरी चिल्ला फोंकते रहते हैं सारा दिन. तो चलो ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा ठंड भी पड़ चुका है और विंटर के टाइम में एक चीज़ जो होता है ना ज़बरदस्त, जल्दी जल्दी सूरज डूब जाता है. मेरे घर के सामने ये जो बिहारी काका का दुकान है, फुचका का दुकान, इट इज़ वेरी मच फेमस एंड ज़बरदस्त फुचका बनाते हैं. भाई गॉड, मैंने एक चीज़ देखा है, जो बिहार के लोग हैं ना वो लोग फुचका बनाने में उन लोगों का महारत है. तो बंगाल में जो बंगाली लोग वो भी फुचका बना लेते हैं, बट बिहारी लोग समथिंग दिल से फुचका बनाते हैं. आई लव देयर फुचका. और ये जो बिहारी काका का यहाँ पर भैया का फुचका का खाओगे खाने के बाद यकीन मानो एक इतना बुरा आदत बन चुका है, कहीं पर मैं फुचका खाने जाऊँ तो यू नो याद आता है इसके बारे में. तो लॉकडाउन के टाइम में तो आई एम जस्ट फॉन्ड ऑफ फुचका. मैं हर वीक में दो दिन तीन दिन तो फुचका खा ही लेता हूँ. अरे यार किसका रे, इधर जा उधर जा कहीं पर जा, दौड़ा दौड़ा. ओके ओके वेट 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 वेट. तो आई लव इट. सो चलो ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ आज, यू नो आज ऑलरेडी 10 मिनट तो लेट हो चुका हूँ. तो ऑलरेडी आपको मैं दिखाऊंगा, ऑल माय स्टूडेंट्स ऑलरेडी आ चुका है. अभी ये इस टाइम का जो क्लास होता है इट इज़ माई फेवरेट क्लास, क्योंकि अभी जो बच्चे लोग आते हैं, बच्चे क्लास 7 स्टैंडर्ड 6 स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड के बच्चे लोग आते हैं फॉर द इंग्लिश ग्रामर क्लास के लिए. आई एम वेरी गुड इन इंग्लिश ग्रामर, यू नो जस्ट लाइक मुझे अच्छा लगता है टेक्स्ट से ज़्यादा ग्रामर ज़्यादा अच्छा लगता है. ग्रामर राइटिंग भी वहाँ पर एक क्रिएटिविटी है. तो ये क्रिएटिव इंग्लिश को सीखने के लिए हो, देखो सब स्टूडेंट लोग आ चुके हैं, बट सर इतना लेट है. ये देखो सब खड़े हुए यहाँ पर, सब आ चुके हैं एक्सेप्ट सर. चलो 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 चलो. साइट. तो भैया आ चुका हूँ. तो पहले ताला खोला जाए उसके बाद. सॉरी फॉर द लेट, चलो बहुत ही लेट हो जाए मैंने. एक्चुअली यू पीपल कम टू अर्ली. ओके ये है चाबी, ताले को खोलता हूँ, बाइक को बंद करता हूँ. चलिए अभी अंदर चलते हैं. आई लव दिस प्लेस, इस जगह को मुझे बहुत प्यार है, क्योंकि ये मेरा है कर्म स्थान. दिस इज माई वर्किंग प्लेस मैन. सभी लाइट जला देता हूँ. ओके क्विक सीट प्रॉपरली. फर्स्ट ऑल ऑफ यू सीट इन अ प्रॉपर वे, देन मेक द पोजीशन. घर वापस मैं आ चुका हूँ. घर आने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट काम मैंने आज करवाया, दैट इज ये जो अलमीरा देख रहे हो, ये अलमीरा एक बहुत ही उमदा क्वालिटी का वुड से बना हुआ है और ये टोटल ये जस्ट लाइक मेड ऑफ शेगुन है. और इस टोटल अलमीरा का प्राइस पड़ा 55,000, क्योंकि ओरिजिनल अच्छा वुड से बना हुआ है. बट सब कुछ तो ठीक था, बट एक चीज़ बहुत ही गंदा बनाया जो जिसने बनाया था, जो इसको बोला जाता है जो कारपेंटर ने बनाया था. सब कुछ ठीक ठाक था पर इसका जो ये हैंडल था ना और इसका जो ये लॉक था, इतना घटिया क्वालिटी का दिया था. आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन. जस्ट एक महीना मैंने इसको इस्तेमाल किया, उसके बाद सबको तोड़ के हाथ में आ रहा था. और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मेरा जो पूरा टेक्निकल सेटअप मैं यहाँ पर रखता हूँ, मेरा आप देख सकते हो GoPro ठोपड़ो सब कुछ यहाँ पर, मेरा सेल्फी स्टैंड सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ है, मेरा माइक बोया का माइक एवरीथिंग आई कीप इट
इन दिस ईयर। और यहाँ पर टोटल जो चीज़ है पूरा अल्मेरिया का, ऑलमोस्ट मेरा यूट्यूब का ही सामान यहाँ पर भर भर के रखा हुआ है, मेरा स्टूडियो का ऑल दिस थिंग्स रखा हुआ है, मेरे कुछ ड्रेसेस भी हैं, बट सब कुछ टूट के जाने के बाद आई फील सो बैड। तो आज मैंने क्या किया, सभी चीज़ को मैंने बदल लिया, एवरीथिंग आई हैव चेंज्ड। ये नया लॉक मैंने यहाँ पर लगाया है, नया हैंडल यहाँ पर लगे, बहुत ही बेटर क्वालिटी है, लॉक भी बहुत बढ़िया है। बट एक गलती मैंने कर दिया, मैंने यहाँ पर चेंज होना था 1 2 3 4 5 6 7 7, बट मैंने उसको बोला था बाय मिस्टेक 5, तो उसने 5 लाया, तो इस ये पुराना वाला ही है। ये देखो जस्ट क्वालिटी डिफरेंस, देखो इतना पूरा कितना पतला है और ये नया वाला कितना बड़ा है। तो दो पाला रह गया, तो बाद में कभी चेंज कर लेंगे। तो भैया ले चलो, मैं ऑन कर लिया मेरा जो एडिट सेटअप और सब कुछ ऑलरेडी मेरा एडिट सेटअप रन कर रहा है। अभी क्या करना है, टोटल सारा दिन का जो लेखा जो वीडियो मैंने शूट किया इसके ऊपर मैं इसको मैं कॉपी करूँगी, उसके बाद एडिट करना है। तो आज का ये तो खत्म, लेखा जो का सारा दिन का उससे एंजॉय था छोटा सा व्लॉग, आज थोड़ा सा क्लास वाला व्लॉग रहा मेरे स्टूडेंट के साथ, जैसे ऑल द थिंग्स हैपेंड। सो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कर दीजिए जो अगर अगर आपको वीडियो देखकर मजा आए। सो दोस्तों सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।